मैं तो हाथ जोड़ के यही बता रहा हूं कि तो अपने मेरे मुंह साथ से बड़े बड़े जाइए। दावे करोगे, लेकिन आज हम देखेंगे कि आप वाकई जो कहते हो वो करते हो कि नहीं हो। ये अभी मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा और उसके बाद YouTube के माध्यम से मैं लोगों को भी दिखाऊंगा। ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये वीरू फौजी एकेडमी की बिल्डिंग है। और वीरू फौजी के कई सारे वीडियो आता है जिसके अंदर वो बहुत बड़े बड़े दावे करता है कि मैं बच्चों को ये सुविधाएं देता हूँ, वो सुविधाएं देता हूँ, और यहाँ उसका रिजल्ट भी वो दावे करता है कि मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया है, मेरे हर लड़के हर भर्ती के अंदर सक्सेस होते हैं, दौड़ क्लियर करते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और वो दावा करते हैं कि ये बच्चे हैं वो वीरू फौजी अकेडमी से परेशान होकर के आए हैं, और इस तरह के कथित बच्चों को दिखाया जाता है कि वीरू फौजी जो कहता है वो करता नहीं है, कहता कुछ है और करता कुछ है, वहाँ पे इतनी बढ़िया सुविधा ही नहीं मिलती। तो आज हम दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए हम आए हैं यहाँ की वीरू फौजी एकेडमी की पड़ताल करने के लिए, और यहाँ देखते हैं कि वीरू फौजी जो कहता है वो कहता है या फिर फेंकता है, और या फिर जो दूसरे जो लोग वीडियो बनाते हैं वो इसके खिलाफ़ कोई दुष्प्रचार कर रहे हैं या वाकई वो ठीक कहते हैं। तो आज हम यहाँ की सारी फैसिलिटी चेक करेंगे और यहाँ के लड़कों से बात करेंगे, वो भी वीरू फौजी की एब्सेंस के अंदर हम उनसे बात करेंगे, ताकि जो लड़के जो भी बोलें वो सच बोलें। तो आइए चलते हैं वीरू फौजी एकेडमी के अंदर और करते हैं यहाँ की पड़ताल। वीरू फौजी, आज हम आपका इंटरव्यू लेने नहीं आए, आज हमें आपकी जो डिफेंस एकेडमी है उसकी हमें पड़ताल करनी है। अच्छा बिल्कुल, आप कर सकते हो, कभी भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप आए हो, मैं तो कहता हूँ हर एक आदमी जो है वो आए। बिल्कुल, ये वीडियो वगैरह ये चलते रहते हैं। वो पिछले दिनों अभी YouTube पे कई वीडियो चल रहे हैं आपके खिलाफ चल रहे हैं, कई उसमें दावा किया जाता है कि कुछ बच्चे हैं जो आपकी डिफेंस एकेडमी से परेशान होकर के भागे हैं, हाँ कि यहाँ पे खाना सही नहीं मिलता, रहने की जगह सही नहीं है, टॉयलेट्स वगैरह की सफाई नहीं होती है। अच्छा, तो आज मतलब हालांकि ये काम तो किसी फूड इंस्पेक्टर का या उनका होता है सरकारी तौर लाइसेंस पर, है मेरे पास लेकिन लेकिन फूड इंस्पेक्टर। लेकिन लेकिन ऐसा है कि मैं भी हम भी एक पत्रकार हैं और जन सरोकार से जुड़े हुए हैं, लोग या बच्चे परेशान नहीं हो क्योंकि आते हैं, वो फीस भी देते हैं आपको, बिल्कुल तो देते हैं। सुविधाएं हैं कि नहीं है ये लोगों को YouTube के माध्यम से पता चलना चाहिए। तो मुझे जो है ना, आप किसी को मेरे साथ भेजिए ताकि जो है ना बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ जो दावे चाहे वादे, आपने पिछली बार भी इंटरव्यू लिया था, मैंने जो कहा था कि जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, और आपको बता दूँ कि कल भी जो है 4 बच्चों ने रेस क्लियर की है। ठीक है, या मैं कहता हूँ कोई भी हो अपने पेरेंट्स के साथ में आओ, हालांकि शाम को मैं खुद वीडियो डालूंगा कि अपने माता पिता को साथ में लेके आओ। आजकल क्या है कि कारोबार धंधा ज्यादा बना रखा है, और अक्रम इनके साथ में जाएगा, जहां जैसी स्थिति में जो चीज है वो आप जाके देखो, मैं साथ में नहीं जा रहा, ये आपको अक्रम लेके जाएगा। नहीं, आपको तो मैं साथ लेके ही नहीं जाऊंगा, क्योंकि नहीं, आप मैं जाओगे तो, जाऊंगा भी आप नहीं। जाओगे तो फिर बच्चे ना ढंग से नहीं, ये बोलेंगे नहीं। भी बच्चा ही है, ये हाँ यहाँ तैयारी कर रहा है। कितने महीने हाँ से रह रहा है अक्रम? मुझे सर 1 साल होने वाला है। एक साल एक होने साल वाला से है। तेरा पहले रेस क्लियर कब हुई थी? जनवरी में। जनवरी में इसकी रेस क्लियर हुई थी। एग्जाम वगैरह कोई अभी अता पता नहीं है। तेरे से फीस लेता हूँ मैं, नहीं सर, फीस लेता हूँ नहीं। अभी मेरे यहाँ उन बच्चों से भी मिल लो जिनकी फीस नहीं लेता, जो काम करते हैं एकेडमी में। ये नहीं बोल रहा कि फ्री में वो सब कुछ उसका फ्री कर दिया है, नहीं, काम करते हैं क्योंकि हराम की नजर चलो खाने नहीं खैर, देता। वो खैर, चलो आप आप तो जाओ अपने अक्रम के मुंह साथ से में बड़े जाइए। बड़े दावे करोगे, लेकिन आज हम देखेंगे कि आप वाकई जो कहते हो वो करते हो कि नहीं हो। ये अभी मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा और उसके बाद YouTube के माध्यम से मैं लोगों को भी दिखाऊंगा कि आपकी सच्चाई क्या है। मैं तो हाथ जोड़ के यही बता रहा हूं कि आप जाइए, चेक कीजिए, लोगों को भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको शक है वो भी आके जरूर देखे एक बार। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ। अकरम, चाबी 7 नंबर की लेके दिखाओ। ठीक है। हाँ भाई, कैसे बीमार सा कैसे हैं? मैं तो नहीं बीमार, बीमार नहीं है, ठीक मैं है। कमरा साफ रोज होता है? हाँ जी। और ये क्या ऊपर भी डबल डबल है क्या यहाँ पे हैं? हाँ, अच्छा,
और यहाँ दिक्कत होती है कमरे में कोई? नहीं, नहीं, नहीं। कोई दिक्कत नहीं? वीरू से डर के मारे तो नहीं, 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 सर, ऐसा नहीं। एक गल को बोल दिया कि नहीं दिक्कत है और कि वीरू सर मारेंगे, नहीं है ना। और अभी मैं खाना भी मैं चेक करूंगा, तुम तो कह दोगे कि भाई चलो खाना अच्छा मिलता है, लेकिन आज मैं खुद खा के ही चेक करता हूँ यहाँ का खाना। और कहाँ से आए हो भाई? यूपी चित्रकूट। यूपी से चित्रकूट राजस्थान, तो इतनी दूर कैसे आ गए? बस आ गए यूट्यूब के जरिए। तो यूपी के अंदर डिफेंस एकेडमी नहीं है? हैं, लेकिन पसंद नहीं आई, यहाँ आ गए। तो कितने दिन हो गए? मेरे को 5 महीने हो गए। 5 महीने। तो दौड़ में क्या क्या है आपका, अभी क्या पोजीशन है दौड़ में? वही पैर दर्द कर रहा है, रेस्ट पर हूं अभी। अभी रेस्ट कर रहे हो? हाँ। लेकिन अब टाइमिंग में कोई फर्क पड़ा है आने के बाद में? हाँ, टाइमिंग बहुत फर्क पड़ा है, टाइमिंग में फर्क पड़ा है। तो 5 महीने हो गए आपको यहाँ, अब मतलब आपको उम्मीद है कि भाई आप सक्सेस होगे भर्ती होने में? ठीक है, चलिए दूसरा कमरा देखते हैं। आओ बकर, दूसरा कमरा देखो। कहाँ से आए हो भाई? अजमेर किशनगढ़ से। अजमेर किशनगढ़, तो वहाँ पे अजमेर वगैरह में उस साइड में डिफेंस एकेडमी नहीं है? है तो सर, पर सर्जेसी नहीं है। हैं, सर्जेसी नहीं है? तो सर में ऐसा क्या खास है? यहाँ पे आने के बाद में 2 भर्ती क्लियर कर दी मैंने। हैं, 2 भर्तियाँ क्लियर कर दी। 2 भर्तियाँ क्लियर कर ली, तो फिर क्यों बैठे हो? क्लियर ही हो गई तो अब सेंटर की भर्ती आ रही है। सेंटर की भर्ती, तो 2 में मतलब तुम भर्ती हो चुके? नहीं, यानी कि पेपर बाकी है, एक में पेपर बाकी, एक में मेडिकल। दौड़ क्लियर कर ली? हाँ। तो 2 के अंदर आपने दौड़ क्लियर कर ली, अब आप रिटर्न की तैयारी भी कर रहे हो साथ में? हाँ। और अब तीसरी भर्ती और देखोगे? हाँ, मेरे तो जिसमें अपॉइंटमेंट मिल जाएगा उसी में पहुंच जाओगे? हाँ, मेरे सेंटर। और आप? जयपुर से। जयपुर से, तो जयपुर में तो यार बहुत डिफेंस एकेडमी है, एक से बढ़कर एक है। है, लेकिन ऐसी नहीं है, यहाँ गांव के अंदर पड़े हो, वहाँ सिटी के अंदर मजा नहीं आता? नहीं नहीं, यही बढ़िया है गांव में। तो यहाँ तो खेत के अंदर है? हाँ, वो बढ़िया है, तो बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण है, अच्छा लगता है यहाँ पे, पोल्यूशन से दूर, साउंड वाउंड कुछ नहीं है। तो तुम्हारे वीरू सर फेंकते हैं कि मैं दौड़ में ऐसी क्लियर करा देता हूँ, वो करा देता हूं? सर, जो कहते हैं ना वो करते हैं, झूठ नहीं बोलते। नहीं, झूठ नहीं बोलते। लड़के हमारे तो नहीं कराएगी? नहीं नहीं, निकाल देंगे? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। नहीं, जो कहते हैं ना सर वो करते हैं। और ये भी जो भी है यहाँ रियल है, फेक है, कुछ नहीं है। ये कैमरा इधर करना एक बार। ये क्या सूज रखे हुए हैं सब बच्चों के? हैं, तो ये इतने सारे सूज रखे हुए एक कमरे में, इतने बच्चे हैं? अच्छा, इनके ये मतलब डबल रखने होते हैं? ठीक है, सफाई तो है पूरी ढंग से, है ना? सफाई तो रखी हुई है जैसी सफाई होनी चाहिए आर्मी के अंदर। आर्मी के अंदर भी ऐसी बैरिके मिलेगी आपको रहने के लिए। तो चलो अब आपकी मेस देखते हैं आज। हैं नहीं, उससे पहले ना, आज से मैं पहले इनके बाथरूम चेक करता हूँ, क्योंकि एक वीडियो के अंदर वो लड़का कह रहा था साहब इनके बाथरूम जो है ठीक नहीं होते, तो मैं पहले बाथरूम आपको दिखाता हूँ। आइए अकरम, पहले बाथरूम दिखा। तो ये यहाँ पे देखिए कि ये नए बाथरूम अभी तैयार हो रहे हैं, ये दिखाइए ज़रा कैमरे से, बाथरूम दिखाइए। ये नए तैयार हो रहे हैं, टाइल्स वगैरह भी लगी हुई है। और चलो ये तो अभी साफ़ हैं, पहले जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो देखते हैं। तो ये है बाथरूम है, तो ये सफाई की हुई है। और हाँ, ये भी साफ ही है सारे। और ये सफाई कर्मचारी यहाँ लगा हुआ है साफ करने के लिए। एक मिनट आना भैया, एक मिनट आओ आओ। कितनी बार साफ करते हो ये बाथरूम? दो बार करते हैं साहब। दो बार? तो क्या इतना गंदगी फैला देते हैं बच्चे की, 2 बार करना पड़ता है? हाँ, गंदगी फैलाते हैं बच्चे। अच्छा अच्छा, तो 2 बार में क्या इनमें यहाँ पे वो भी डालते हो, अर्पी को एसिड एसिड वगैरह डाल के साफ करते हो? पूरा ध्यान रखते हो सफाई का? है, आप अकेले ही हो या कोई और भी है सफाई करने वाला? अकेले ही कर देते हो? हैं, ठीक है। तो ये यहाँ के जो टॉयलेट्स की जो सुविधा है यहाँ पे है, और ये जो आदमी रखा हुआ है ये इनका सफाई कर्मचारी है, जो इनको कहता है कि इसका दावा है कि ये 2 बार साफ करता ही करता है।
अभी हमने देखे कुल मिलाकर के यहाँ ठीक है, जैसे आर्मी में होने चाहिए वैसे ही यहाँ पे सफाई है। तो ये क्या किचन है? मेस है यहाँ पे। तो देखते हैं इनकी किचन के अंदर क्या व्यवस्था है और किस तरह का खाना है। तो ये देखिए, ये वीरू फौजी एकेडमी की किचन है और ये यहाँ पे ये मशीन है। ये क्या रोटी बनाने वाली मशीन है? और ये रोटी बनाने वाली मशीन है और ये आटा लगाने की मशीन है। और ये यहाँ पे ये बनी हुई है रोटियाँ, ये देखते हैं। ठीक है, रोटियाँ तो ठीक बनी हुई है। ये चावल है, ये चावल बने हुए हैं। ये कढ़ी बनी हुई है, ये कढ़ी है, ये चने। अच्छा, सुबह के बच्चे में नाश्ते से बचे हुए हैं। बैठने का अरेंजमेंट? इनके स्टोर के अंदर भी घुसते हैं, देखते हैं कि स्टोर के अंदर क्या रखा हुआ है। ये एक एक रुको रुको, छह प्रकार की दाल। ये आपके यहाँ पे दाल वगैरह आप बनाते हो? हाँ जी। तो कई वीडियो आए थे आपके यहाँ से, लड़के जो भाग करके गए हुए हैं कि साहब यहाँ पे खाना अच्छा नहीं बनाता। तो यहाँ मैंने ये दिखाया कि ये अलग अलग तरह की पाँच दालों के ये पड़े भी है, कट्टे भी पड़े हैं, ये अलग अलग है। तो इतना कुछ सामान आपके पास पड़ा है तो आप इतना घटिया खाना क्यों बनाते हो कि लड़के भाग जाते हैं? घटिया का सवाल ही नहीं है। तो वो लड़के जो वीडियो में आते हैं वो आपके यहाँ से के नहीं थे क्या, या फर्जी हैं वो लड़के? वो फर्जी लड़के हैं। बढ़िया बनाते हो? एक नंबर, आप आके चेक कर लो। अच्छा, तो आज तो हो सकता है कि कहीं मेरा पता लग गया होगा, आप मैं आया हुआ हूँ तो आपने बढ़िया। मेरे को तो कोई पता नहीं था आपका। अच्छा, नहीं मालूम था? नहीं मालूम था। चलो ठीक है, तो मैं तो आज पास में ही रहता हूँ। हाँ। तो मैं कभी भी आकर के ना ये खाना चेक कर सकता हूँ। कभी भी चेक कर लेना आप। देख लेना, और खाने में कोई गड़बड़ हुई तो फिर मैं सीधे फूड इंस्पेक्टर को भेजूंगा, सरकारी अफसर को। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो और वो कहते हैं कि सामान एक नंबर है। अरे अक्रम, वो कहते हैं कि केले भी खिलाते हो, तो केले कहाँ रखे हुए हैं? चलो, ये स्टोर है और ये सब्जियां हैं। एक मिनट, मैं भी एक इनके फुटे और ले लेता हूं इससे। ये गोभी रखी हुई है, ये प्याज की है और मिर्ची, ये केले। तो ये केले आज खिलाई नहीं क्या बच्चों को, या बच गए ये कल के लिए, ताकि कल मतलब खिला सको? हैं कितने केले देते हो रोज एक बच्चे को? दो केले सुबह। हाँ। तो साथ में कोई दूध वगैरह भी देते हो क्या? दूध दलिया है? दूध दलिया, दूध दलिया और केले। यस सर। तो केले क्यों, कुछ सेव वगैरह क्यों नहीं खिलाते? केले ही। हाँ। एनर्जी ज्यादा मिलती है। हाँ। तो ये देखिए, ये वीरू फौजी एकेडमी में जो सुबह नाश्ते के अंदर जो केले दिए जाते हैं वो है। और ये देखिए किचन में सामान रखा हुआ है, ये लहसुन की बोरी रखी हुई है, मतलब लहसुन भी पूरा ढंग से खिलाया जाता है इनको। और ये गुड़ की पेटी है, ये गुड़ की पेटी, गुड़ की पेटी है। अच्छा, तो बच्चों को गुड़ भी देते हो? यस सर, मतलब गुड़ दलिया में डाल के देते हैं। गुड़ दलिया गुड़ दलिया देते हो? गुड़ चीनी की बजाय यही देना चाहिए। वो मिर्च रखी है, हल्दी रखी है, धनिया रखा है। हाँ 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 हाँ। इसमें आलू है। अच्छा, खोल के दिखा आलू की क्वालिटी कैसी है। ये देखिए बिल्कुल ठीक है। तो ये आज की पड़ताल में हमने ये पाया कि यहाँ पे केले भी हैं, सब्जियाँ भी ताज़ा रखी हुई है। और चलिए आगे देखते हैं एक कि तुम्हारे यहाँ कैंटीन की सुविधा भी है? यस सर। तो चलिए मैं, मुझे ना कैंटीन दिखाओ, अपनी कैंटीन दिखाओ। तो ये है कैंटीन है। यस सर। तो ये जो कैंटीन है, तो ये इसमें तो क्या बच्चे यहाँ से मतलब चीज़ें खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं। है? जिसको किसकी किसी भी चीज की जरूरत हो वो यहाँ से ले सकता है। मतलब जो तुम जो मेस के अंदर खाना देते हो। हाँ। और उसके बावजूद ही बच्चे को, जैसे कोई किसी को बिस्कुट चाहिए। हाँ। बच्चों और गुटके वगैरह तो नहीं बेचते ना यहाँ पे? हैं गुटके, धूम्रपान, इस तरह की चीजें तो नहीं होती ना आपकी कैंटीन में? बिल्कुल ही।
और जो आप लेना चाहो काजू बादाम किशमिश कुछ भी लेना चाहो सेव वगैरह कैंटीन में मिलते हैं। अच्छा सारी चीजें वो है, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पे देखिए ये कैंटीन की सुविधा है वीरू फौजी अकेडमी के अंदर। यदि बच्चों का मूड हो गया कि उनको कुछ खाने के लिए टेस्ट चाहिए या फिर कोई चिकन मटन तो उपलब्ध किया जाता है, वो भी कर देते हो। हैं दारू तो नहीं पिलाते ना? नहीं सर, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं साहब, कई वीडियो में मैंने सुना था कि वीरू फौजी दारू भी पिलाता है। बोलने वाले सर कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा खोलने पक्का यहाँ पे नहीं पिलाते हो? हैं सर, ठीक है। तो कितने कितने दिनों से हो भाई तुम लोग? एक महीना। एक महीने से? तो आए कहाँ से हो? इलाहाबाद यूपी। इलाहाबाद यूपी से है, तो वहाँ पे आपके यार यूपी में डिफेंस अकेडमी नहीं है, इतनी दूर चल के आ गए? नहीं उतनी अच्छी नहीं है। या यूट्यूब के ऊपर जो वीरू भाई फेंकता है वो सब उसके चक्कर में तो नहीं है? नहीं उन सब के चक्कर में नहीं, यहाँ आके हकीकत तो पता लग गई। हाँ ठीक है, बढ़िया। जो जैसा यूट्यूब पे बोलते हैं वैसा ही है? वैसा ही एकदम। अच्छा ये बता खाना कैसा मिलता है यहाँ का? खाना बढ़िया मिलता है। क्या क्या खाते हो? सुबह दूध दलिया हो जाता है और केला, और दोपहर में दाल और चावल और रोटी, रात में सब्जी और वो सब्जी रोटी। अच्छा दूध भी मिलता है और फ्राइडे को स्पेशल डेट रहती है। तो दूध में पानी मिला हुआ तो नहीं होता? नहीं नहीं, घर जैसा दूध होता है। अच्छा सुबह जो नाश्ता है वो कैसा लगा? बढ़िया, चने सोयाबीन। आज के नाश्ते में क्या था? आज के नाश्ते में था सुबह तो चने सोयाबीन के बीज, दूध दलिया, फिर बाद में केले दो केले, फिर क्लास लग गई। क्लास लगने के बाद खाना खा लिए, दाल रोटी पांच तरह की दाल बस। अब ये फिर ये तो मतलब ऐसा तो नहीं लगता ना कि भाई यहाँ आए और यार भूखे रह जाएंगे? नहीं, और नहीं नहीं, नहीं। हैं तो कुछ जो है ना जैसे इधर आ भाई तू, सुबह का आज का नाश्ता कैसा था? बढ़िया था जी। बढ़िया। और कल का? कल का ही बढ़िया था, रोज बढ़िया रहता है जी, रोज खाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो तुमने कुछ लड़कों ने वीडियो डाले थे कि वीरू फौजी में अकेडमी में जो है ना खाना अच्छा नहीं मिलता, देखे तुमने वो वीडियो? हाँ देखी थी। तो वो झूठ है, झूठ है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। वो लड़के यहाँ के नहीं है, ऐसे फर्जी खड़े हो जाते हैं लड़के? तो यहाँ का था एक लड़का, पर वो झूठ है, बिल्कुल झूठ है जी। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ जो जैसे खाना जो बनाते हैं वो तो कोई लापरवाही नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, हम भी वहीं खड़े रहते हैं, खाना बनता, कोई दिक्कत नहीं दिखती हमें। मतलब रोज भर पेट के खाना खाते? हाँ जितनी चाहो उतनी खाओ, 15-20 रोटी जितनी खानी खाओ। खाना सामने ही बनता है? नहीं तो सामने बनता है। और मतलब कभी रोटी कच्ची पक्की? नहीं बढ़िया रोटी बनती है, बढ़िया मशीन के ऊपर, बढ़िया सीखती है, बढ़िया। और वहाँ पे वीरू भाई जो है खुद भी वही खाना खाता है कि इसी मेस का खाता है या वो अलग खाता है? मेस का ही खाते हैं। हैं? मेस का ही खाते हैं। हाँ तब तो मतलब आपके बराबर ही हो गया मामला, है ना। और कोई समस्या है यहाँ की? कोई समस्या नहीं है भाई। ये बोरे बिस्तर लेकर के जा रहे हो, आए हो? आए हैं डिफेंस में। आए हो? हाँ। तो पहली बार एडमिशन ले रहे हो या रिटर्न? पहले भी थे, पुराने स्टूडेंट। तो पहले छोड़ के क्यों गए? पहले वो एग्जाम देने गए थे। 16 तारीख की एसएससी की एग्जाम थी। अच्छा अच्छा। और अब हम वापस? तो हो कहाँ से? हमें जयपुर से। तो यार जयपुर में तो बहुत सारी डिफेंस अकेडमी है, तो इतनी दूर चल के क्यों आए? ऐसी नहीं है ना, इस यहाँ डिफेंस जैसी नहीं है। ज्ञान मत दो भाई किसी को। नहीं नहीं चुप रहो ना, चुप रहो। जो इन्होंने बोलना है वो बोलेंगे ना, तुम्हारे करने से क्या होगा ये बताएंगे ना इनको। तो जयपुर के अंदर मतलब ऐसी डिफेंस अकेडमी? ऐसी डिफेंस पूरे राजस्थान में नहीं है सर। कैसी राजस्थान में नहीं है? तो ये वीरू फौजी को खुश करने के लिए तो नहीं बोल रहे? नहीं सर, दिल की बात है, दिल की बात है, ये तो दिल की बात, तैयारी करने के लिए आए हम तो। तो देखिए ये वीरू फौजी के डिफेंस के अंदर जो बच्चे हैं ये कहते हैं भाई यहाँ खाना भी ठीक मिलता है, रहने की व्यवस्था हमने भी देखी है, जो आपको भी वीडियो में हम दिखाई रहे हैं। तो ये थी हमारी तरफ से वीरू फौजी अकेडमी की पड़ताल। अब पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसीजन लीजिए कि जो वीरू फौजी अपने वीडियोज के अंदर जो दावे करता है या जो कहता है वो वाकई करता है या फिर वो फेंकता है, ये निर्णय आप कीजिए। लेकिन उससे पहले पूरा वीडियो देखिए और यहाँ की जो सुविधाएं हैं और जो बच्चे क्या बोल रहे हैं उनकी उन्हें सुनिए और उसके बाद कोई निर्णय पर पहुंचिए कि वीरू फौजी वाकई सही है या गलत है। एक बात और, यहाँ पर हमने यूपी मध्य प्रदेश से भी आए हुए लड़के देखे हैं, तो इतनी इतनी दूर से लड़के आते हैं तो कुछ तो वीरू फौजी के अंदर है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर किसी नई ऐसे डिफेंस अकेडमी की पड़ताल आपके सामने लाकर प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।